आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तानी फिल्म द डोंकी किंग के बारे में और साथ ही बात करने वाला हूँ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में। जी हाँ, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी पाकिस्तान में रिलीज़ हुई और किस तरह से ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और डोंकी किंग का कलेक्शन है पाकिस्तान में, उसको बताने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूँ स्टार्ट करने से पहले कि डोंकी किंग फिल्म वहाँ पर बहुत पसंद आ रही है लोगों को और अभी छठे हफ्ते में आई थिंक ये एंटर हो चुकी है। चलिए मैं आपको कलेक्शन बता देता हूँ, जो किस तरह से ये फिल्म चल रही है वो भी बताऊंगा। चलिए मैं ट्विटर हैंडल पर लेकर आया हूँ आपको। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की बात करें तो इसने 8 दिनों में, यानी कि फर्स्ट एक्सटेंडेड वीक में, क्योंकि गुरुवार को रिलीज़ हुई थी राइट, तो थर्सडे तक का कलेक्शन 11 करोड़ था और 90 दिन का 60 लाख कलेक्शन था। टोटल कलेक्शन हुआ 11.60 करोड़। ये कलेक्शन वैसे बहुत कम है क्योंकि सुल्तान की अगर बात करें तो सुल्तान का आई थिंक 30 करोड़ के नहीं 20 से 30 करोड़ के बीच में था। और एक संजू, हाँ संजू का कलेक्शन ऊपर था, कुछ 30 करोड़ के प्लस था। तो उस हिसाब से देखें तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक है। और बात करें द डोंकी किंग के बारे में तो डोंकी किंग ने पहले हफ्ते में 4 करोड़ देखा जाए तो पहले हफ्ते में थोड़ा स्लो ही रही अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो, है ना। लेकिन उसके बाद में डोंकी किंग का ग्रो हुआ, सेकेंड वीक में और बेहतर कलेक्शंस किया 5 करोड़, तीसरे वीक में भी और बेहतर कलेक्शंस किया, चौथे वीक में 2.6 करोड़, पाँचवें वीक में 1.9 CR, दैट मीन्स करीबन 2 करोड़। और सिक्स फ्राइडे का टोटल कलेक्शन आया, यानी कि 36 दिनों का कलेक्शन है और 36 दिनों के कलेक्शन में 18.9 करोड़ इस फिल्म ने कमा लिया, यानी कि एक महीने भर पूरा हो चुका है फिल्म का, लेकिन अभी फिल्म चल रही है और ये दर्शाता है कि फिल्म कितनी बेहतर है और ये कलेक्शंस भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ से 20 करोड़ के ऊपर का लाइफ टाइम आराम से ले लेगी ये फिल्म। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 15 करोड़ के ऊपर अब नहीं जा सकती पाकिस्तान में। लेकिन एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस किया है कि जिस तरह से इंडियन फैंस क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को, उस हिसाब से कम पाकिस्तानी जो फैंस हैं ज़्यादातर वो सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को, चाहे वो उतनी बढ़िया ना भी हो। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है, इंडियन फैंस को भी सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है फिल्मों को। लेकिन स्टिल इट्स ओके अगर किसी का पैसे खर्च हो रहे हैं, अगर उसको एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है, उसको पसंद नहीं आया, तो सीधी सी बात है क्रिटिसाइज़ तो कहीं भाई करेगा ही। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।